तो स्वागत है दोस्तों और एक न्यू वीडियो पे जो कि होने वाली है ताबड़तोड़, जिसका हमें इंतजार था बेसब्री से। 2023 की सबसे मस्त गाड़ी सेगमेंट, इस सेगमेंट में आपको सेडान सेगमेंट में वरना होने वाली है, और जो कि रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। सिक्स जनरेशन नहीं हमारे सामने, ये हमारे सामने 1.5 SX ऑप्शनल आप देख रहे हो, 4 सिलेंडर के अंदर आ जाती है, पेट्रोल में आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। और बात करूँ इसके लुक्स की, तो फ्रंट प्रोफाइल का लुक्स कितना अच्छा सा इन्हेंस कर दिया गया है पहले के हिसाब से, आप देख सकते हो। सबसे बड़ी बात, इसमें आपको सब चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। फ्रंट प्रोफाइल में आप देख सकते हो कि DRL की प्लेसमेंट कितना अच्छा से वहां से यहां तक आपको कोना से कोना तक लिया गया है। सेंटर में आपको हुंडई की बैजिंग मिल जा रही है जो कि सैटिन सिल्वर के अंदर होने वाली है। ग्रिल की बात करो तो ग्रिल आपको ग्लॉस के अंदर मिल रहा है। इंडिकेटर आप देख लो, हैजार्ड लाइट मैंने जला दिया था और इसका कितना अच्छा सा लुक दे रहा है नीचे में। फॉग लैंप इसमें हटा दिया गया है। और बात करूँ इसकी हेडलैम्प की, तो हेडलैम्प आप यहाँ पे प्लेसमेंट इसका चेक कर सकते हो, कितना अच्छा सा LED फॉर्म में ये जलेगा। वेंट्स वहाँ पे दिया गया है। और आगे में टोटल 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और बम्पर की बात करूँ तो बम्पर भी आपको बॉडी कलर्ड में देखने को मिल रहा है। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड प्रोफाइल आप यहाँ से चेक कर लो, और कितना खूबसूरत सा लुक दे रहा है यहाँ पे। क्रिस लाइन आप पूरा यहाँ से वहाँ तक देख सकते हो, वहाँ से एंड से आपको फ्रंट फेंडर से आपको बैक फेंडर तक देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पे और एक चीज़ है, बैक सेकेंड डोर पैनल पे आप चेक कर लो, यहाँ पे एरोडायनेमिक आपको स्टाइल में आपको दिया गया है जो कि काफ़ी 3D फॉर्म में दिखाई दे रहा है, उभर उभर के आ रहा है। और नीचे में आपको स्कर्टिंग की बात करूँ तो स्कर्टिंग रफ रखा गया है जो कि आपको बहुत स्क्रैच से बचाएगा। चले इसके बात करूँ ORVM की, तो ORVM में आपको LED की इंसर्टिंग का काम देखने को मिल जाता है। साथ में इसकी टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो टायर प्रोफाइल 205x55R 16 इंच का डायमंड कट अलॉय मिल जाता है। फ्रंट टायर में आपको डिस्क का काम देखने को मिल जाता है, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स एज यूजुअल देखने को मिल जाता है। तो भाई चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल में। रुक जाओ, सांस थाम के बैठ लो। बैक प्रोफाइल जाने से पहले मैं इसका विंडो गार्निश चेक करा। इसमें सिल्वर सैटन का काम देखने को मिल जा रहा है, ये देख सकते हो आप, यहाँ से शुरुआत की गई है और वहाँ तक एंड किया गया है, ठीक है। तो इसका बैक प्रोफाइल आप देख सकते हो, बैक प्रोफाइल की लाइट जला दी है मैंने। और टेल लाइट की बात करूँ तो टेल लाइट यहाँ से यहाँ तक आपको कनेक्टिंग फॉर्म में देखने को मिल जाती है। सेंटर में आपको हुंडई की बैजिंग मिल जाती है देखने को, और वरना भी आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि इसके अंदर आ रहा है, ग्लास के अंदर, जो कि काफ़ी प्रोटेक्टिव में रहने वाला है। सीधा मैं आपको यहाँ पे आप चेक कर लो कि बैक में रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है। और बम्पर की बात करो तो बम्पर आपको बॉडी कलर में देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर का जो काम किया गया है वो क्रिस्टल फॉर्म में ग्लॉसी ब्लैक के अंदर आ रहा है। यहाँ पे आप रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट चेक कर सकते हो, 4 पार्किंग सेंसर्स के साथ आ जाती है पीछे में। और रियर विंडो की बात करूँ तो रियर विंडो में आपको डिफॉगर का काम देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे कर्टेन भी उड़ जाएगा, ठीक है, उसका वहाँ पे बटन दिया गया है आगे में। और हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे प्लेस की गई है। साथ में बात करूँ तो टीना आपको सेंटर में दिख रहा होगा जो कि ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक के अंदर देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ से आप डिज़ाइन चेक कर लो भाई, कितना खूबसूरत सा दिख रहा है, ये देखो एरोडायनेमिक, जैसे मैंने बोला था ना कि एरोडायनेमिक दिया गया है, तो ये देख सकते हो। और फ्यूल लिट की बात करूँ तो आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर चलते हैं और अंदर जाके आपको इंटीरियर इसका चेक करवाते हैं। तो इंटीरियर जाने से पहले आपको मैं इसका की चेक करवाऊंगा, कितना ग्लॉसी ब्लैक का टच दिया गया है इसके अंदर, देख सकते हो आप। इसमें आपको टोटल 4 बटन देखने को मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक, होल्ड। होल्ड करके रखोगे तो आपको गाड़ी ऑन हो जाएगा, जबकि आप न्यूट्रल फॉर्म में रखोगे गाड़ी को तभी ऑन होगा। और यहाँ पे आपको होल्ड का बटन देखने को मिल जाता है जिससे आप बूट अपना फंक्शन कर सकते हो। एंटर करने से पहले यहाँ पे आप डोर हैंडल्स के चेक कर लो, सिल्वर सैटन के अंदर फिनिश दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा सा लुक दे रहा है। साथ में यहाँ पे एक सेंसर दिया गया है ओपन करने का, ठीक है। और रही बात इसकी डोर पैनल की, तो डोर पैनल आप देख सकते हो डुअल टोन के अंदर दिखाई दे रहा होगा। सॉफ्ट टच और हार्ड टच का दोनों को काम देखने को मिल जाता है, ये चीज़ आपको सॉफ्ट टच के अंदर देखने को मिल जा रही होगी और ये हार्ड टच के अंदर। रही बात अनलॉकिंग लीवर की, तो यहाँ से आपको सैटन सिल्वर का भी इसमें भी काम देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ से आप पावर विंडो का सेटअप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिया गया है डोर अनलॉक लॉक का यहाँ पे स्विच दिया गया है, और ORVM को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 बोतल होल्डर दिया गया है। बूस्ट की आपको स्पीकर देखने को मिल जा रही है इसमें, काफ़ी अच्छा सा मैंने इसका मतलब म्यूज़िक सिस्टम चेक किया हूँ मैं, और कितना अच्छा सा इसमें क्लियरिटी साउंड दे रहा है जो कि कहना नहीं है। साथ में यहाँ पे आपको ऊपर में ट्विटर की भी प्लेसमेंट देखने को मिल जा रही है। तो अंदर जाते हैं, और अंदर जाने से पहले आपको और एक चीज़ मैं चेक करवाने वाला हूँ, यहाँ चेक कर लो एक मिनट। ये आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेड सीट इसमें देखने को मिल जा रहा है, ये चेक कर लो,
ये भी काफ़ी अच्छा सा फीचर है, रिक्लाइनिंग एंगल भी आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर जाते हैं और अंदर जाने से पहले सबसे पहले इसके आपको सबसे पहले इसमें नज़र पड़ने वाली है जो कि रहने वाली है इसकी स्क्रीन के ऊपर। तो टोटल इसमें 8 इंच और 8 इंच का स्क्रीन देखने को मिल जाता है, क्लस्टर में भी और सिस्टम में भी। ये फिलहाल अभी एसेसरीज मोड पे आप देख रहे होगे और मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो काफ़ी देख रहे हो कितना अच्छा सा इसमें प्रेजेंटेशन इस बार हुंडई ने किया है, ठीक है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करो तो इसमें मैप, नेविगेशन, फ़ोन, ठीक है, और बाकी ब्लू लिंक आपको लिंक तो मिलता ही था, साथ में क्लाइमेट एंड ऑल सब कुछ देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा सा मतलब फ्यूचरिस्टिक गाड़ी सोच के ही बनाया है इस बार हुंडई ने और काफ़ी अच्छा सा काम करके दिखाया है। तो इसके स्टेयरिंग की बात करो तो स्टेयरिंग में आपको रैप देखने को मिल जा रहा है जो कि लेदराइट के अंदर होने वाली है। सेंटर में आपको हुंडई की बैजिंग देखने को मिल जाती है। राइट साइड में इस बार थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया गया है, राइट साइड में आपको इस बार सिस्टम का सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि वॉल्यूम कंट्रोल्स एंड ऑल कॉल रिसीव्स यहाँ से कर सकते हो। बाकी क्रूज का सिस्टम यहाँ देख सकते हो। हेडलाइट की लीवर राइट साइड में प्लेस की गई है और इंडिकेटर की भी सेम है। और रही बात इसकी वाइपर की तो वाइपर आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल जा रहा है। और इसके नीचे थोड़ा बढ़ेंगे तो इसमें आपको हेडलाइट की एडजस्टमेंट का स्विच मिल जाता है, अट्रैक्शन का बटन मिल जाता है और एक ESP का भी बटन मिल जाता है। चलिए इसके स्टेयरिंग में और एक बार आते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको टिल्ट भी मिल जाता है और टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है इस प्राइस सेगमेंट के रेंज में, ठीक है। तो इसके बीच में आते हैं और सेंटर कंसोल की बात करते हैं। तो सेंटर कंसोल में आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल, क्लाइमेट, AC के अंदर इसमें सिस्टम सारा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप AC वेंट्स का प्लेसमेंट चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप छोटू सा आप देख रहे होगे, अभी खैर तो लाइट है और रात में, लेकिन ये चीज़ मज़ा देने वाली है, एम्बियंट लाइट का भी काम इसमें देखने को मिल रहा है। सेंटर में आपको हजार्ड का स्विच दिया गया है। थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि कूल करने का है और दोनों आगे का कूल हो जाएगा और दोनों आगे का आपको हॉट वार्म भी एयर प्रोवाइड करवाएगा। साथ में बात करूँ इसके स्विचेस की तो इसमें आपको सॉकेट में आपको टाइप सी का सॉकेट देखने को मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है और एक USB का पोर्ट देखने को मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग के अंदर ये आ रही है जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये मैनुअल ट्रांसमिशन का देखने को मिल जाती है। टोटल इसमें 6 गियर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा सा आपको बूस्टी इंजन मतलब लगेगा कि हाँ कोई गाड़ी में बैठे हो। हैंड ब्रेक की बात करूँ तो हैंड ब्रेक आपको मैनुअल ही यहाँ पे मिल रहा है। इसके टिप की बात करूँ तो इसमें क्रोम का काम किया गया है। पार्किंग का यहाँ पे एक स्विच देखने को मिल जाता है और ये एक पार्किंग का ये कैमरा का भी स्विच देखने को मिल जाता है। रही बात बीच में और 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, 1 आर्मरेस्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि स्लाइड फॉर्म में आ रहा है तो इसमें आपको थोड़ा सा और स्पेस इसमें देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे अंदर में शायद देखता हूँ मैं नहीं स्पेस आपको सॉकेट नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो अच्छा सा मतलब आपको सिस्टम देखने को मिल रहा है। टोटल इसमें आपको 6 स्पीकर 2 सबवूफर देखने को मिल जा रहा है, ठीक है, 1 सबवूफर आगे है और 1 आपको बूट में देखने को मिल जा रहा है। और रही बात इसकी IRVM की तो IRVM आप चेक कर लो, ऑटोमेटिक के अंदर आ रही है। सनशेड की बात करो तो सनशेड में आपको ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है और सेम में आपको को ड्राइवर में भी आपको वैनिटी मिरर प्रोवाइड करवा रही है। ये बात करूँ इसकी सनरूफ की तो सनरूफ आप यहाँ से चेक कर लो, देखो क्या भाई ये इसी की कमी है बस, मस्त है भाई चेक कर लो। और वीडियो को अगर अभी तक आप पसंद कर रहे हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना और चैनल पे न्यू है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर लेना, ठीक है। और रिवर्स कैमरा ऑन है और इसकी क्वालिटी आप चेक, एक मिनट और एक चीज़ छूट गया मेरे से, यहाँ पे आप इसका ग्लव बॉक्स चेक कर सकते हो जो कि कूल होने वाला है। और रही बात और एक हिडन फीचर की, यहाँ से आप चेक कर लो अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो यहाँ पे ये ब्लिंक कर जाएगा। तो चलते दोस्तों, आइए चलते हैं इसके बैक सीट में और चेक करते हैं कि क्या कैसा आपको ये लेग रूम प्रोवाइड करवा रही है। और सारा बात सारा खेल तो इसका लेदराइट का ही है और लेदराइट का फुल वर्क आपको इसमें चेक कर सकते हो कि देखने को मिल रहा है। बैक सेकेंड रो की डोर की बात करूँ तो सेकेंड रो का डोर में आपको स्पीकर के प्लेसमेंट वहाँ देख सकते हो, 1 बोतल होल्डर वहाँ चेक कर सकते हो और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच का काम देखने को मिल रहा है। पावर विंडो की सेटअप आप यहाँ चेक कर सकते हो। कुछ इस तरह का आपको सीट का काम देखने को मिल रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा सा लेदराइट का काम देख सकते हो।
तो इसके अंदर बैठते हैं और अंदर बैठ के आपको बताते हैं। ऐसे सेडान में तो लेग रूम का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है कि मिलने अच्छा मिलता ही ऐसे शुरू से, और इसमें कंफर्ट तो खैर है ही। बात करूँ इसके सेंटर में तो सेंटर में आपको दो एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, छोटा सा स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और दो टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। वहाँ पे भी आप चेक कर लो कि स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है, और सेंटर में आप यहाँ चेक कर लेना आपको एक लाइट दी गई है जो कि LED फॉर्म में होने वाली है। ग्रैब हैंडलर्स दोनों साइड में आपको मिल रहा है, लेकिन राइट साइड में इसी साइड में आपको एक हुक का भी प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसके बूट की बात करूं तो बूट चलो आपको चेक करवाता हूं मैं। यहां से आप बूट को ओपन कर लेना, और यहां से आप फ्यूल लिड को भी ओपन कर सकते हो। ये चेक करो कितना खूबसूरत सा आपको बूट स्पेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा सा आपको बूट स्पेस मिलने वाला है। सफ़र के दौरान तो बहुत जितना भी सामान है सब आराम से अट जाएगा। ये चेक कर लो आप। ठीक है, इसमें आपको एक बूट की लाइट भी दी गई है जो कि रात में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। स्टेपनी की बात करो तो स्टेपनी आपको इसके नीचे ही प्लेसमेंट दी गई है, जिसकी प्रोफाइल होने वाली है ये देख लो 185x65R16 इंच का आपको स्टील रिम का काम देखने को मिल रहा है। तो इसको बंद करता हूँ और आप इसका हुड मैं ओपन करता हूँ। तो फूड ओपन करने के लिए आपको यहाँ से ड्राइवर साइड में जाना होगा और एक लीवर दिया हो गया होगा, और यहाँ से आप उसको ओपन कर लेना। इंजन की बात करो तो इंजन आपको देखने को मिल रहा होगा 1.5 लीटर के अंदर आ रही है, जो कि पेट्रोल के अंदर होने वाली है 4 सिलेंडर के साथ। आप चेक कर लो, यहाँ पे आपको वाइपर फ्लूड का सेटअप देखने को मिल जाता है, ABS EBD का सेटअप वहाँ चेक कर सकते हो, बैटरी की प्लेसमेंट वहाँ दी गई है। काफ़ी नीट एंड क्लीन इंजन आपको इसमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी आपको कवर वर्क देखने को मिल जाता है, इम्बोजिंग देखने को मिल रहा है, इंसुलिन वर्क आप यहाँ चेक कर सकते हो। ऐसे तो मेरे को पता ही है कि ये क्वाइटली इंजन है और आवाज़ तो करती नहीं है। एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन जो होगा इसका पावर एंड टॉर्क का वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको बंद करते हैं। तो सेफ्टी में टोटल 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESP, ब्रेक असिस्ट, हेल्ड होल्ड, ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी हो आप ये ज़रूर कमेंट करके बता देना, और चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो में डालूँ तो आप तक पहुँचे, और तब तक के लिए बने धन्यवाद।